नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, और वो भी मेरे साथ। बीएनसी ने मुंबई के उपनगरीय अस्पतालों को मिनी मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना बनाई है। छात्रों के लिए सीटों की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाने और शिक्षण संकाय का विस्तार किया जाएगा। उधर मध्य रेलवे के पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए रेलवे प्रशासन इसे और लोकप्रिय बनाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए इसे मुंबई दर्शन से जोड़ा जा सकता है। इसी बीच मुंबई में मेट्रो विकास की तेज रफ्तार अब दिखने लगी है। एलिवेटेड मेट्रो के साथ ही मुंबई में जमीन के नीचे भी मेट्रो निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। तो मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि क्रूज रेव पार्टी के मास्टरमाइंड भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे मोहित कंबोज उर्फ मोहित भारतीय हैं। मलिक का दावा है कि आर्यन को जाल में फंसाकर पैसे वसूलने के लिए अगवा किया गया और समीर वानखेड़े को इस पूरे मामले की जानकारी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज यानी सोमवार को महाराष्ट्र में दो नेशनल हाईवे के विस्तार की आधारशिला रखी। प्रदेश के इन पांच बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
दिवाली के बाद प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। राजधानी नई दिल्ली समेत उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर सांस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। तो आज सोमवार से आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक मान्यता यह है कि संतान की प्राप्ति, कुशलता और उसकी दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। इसी बीच खबर यह है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 9 नवंबर को प्रवेश पत्र जारी कर सकता है। बढ़ती ठंड को देखते हुए परीक्षा सामान्य रूप से 10:30 के बजाय इस बार 11:30 बजे से शुरू करने का फैसला लिया गया है। उधर नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा स्थित सीआरपीएफ के लिंगलपल्ली कैंप में एक जवान ने अपने साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। फायरिंग के 4 जवानों की मौत हो गई जबकि 4 जवान घायल भी हुए हैं। बड़ा खुलासा यह भी है कि राफेल सौदे में भारतीय बिचौलिए सुशेन गुप्ता को करीब 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। हैरत यह है कि इसकी जानकारी सीबीआई और ईडी को भी थी मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। देशों के इन 5 बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तर भारत के राज्यों में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सोमवार 8 नवंबर की सुबह 7 बजे ही वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर रिकॉर्ड किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार के इलाके में AQI लेवल 420 रिकॉर्ड किया गया जो कि एक दिन पहले दोपहर 2 बजे 450 था। इसी तरह से CRRI मथुरा रोड पर भी AQI लेवल बेहद खराब स्तर पर 388 रहा, एक दिन पहले 431 रिकॉर्ड किया गया था। चांदनी चौक पे AQI लेवल 385 था जो बेहद खराब माना जाता है, एक दिन पहले यहाँ का AQI लेवल भी गंभीर स्तर पर था। IGI एयरपोर्ट बेहद खराब स्तर पर 353 मापा गया जबकि एक दिन पहले ही ये 406 था। दिल्ली से सटे हरियाणा के अंबाला में भी सुबह 7 बजे AQI का स्तर बेहद खराब 354 रिकॉर्ड किया गया। यहां तक कि बिहार के पटना में अधिकतर जगहों पर ये खराब से बेहद खराब रिकॉर्ड किया गया। हाजीपुरा में भी AQI का स्तर बेहद खराब रहा। दरअसल दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा है, इससे अस्पतालों की OPD में सांस संबंधी समस्याओं के मरीज बढ़ गए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है। आज सोमवार से इस महाव्रत की शुरुआत हो रही है। उत्तर भारतीयों के इस प्रमुख पर्व के बारे में धार्मिक मान्यता यह है कि संतान की प्राप्ति, कुशलता और उसकी दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है और षष्ठी तिथि को छठ व्रत की पूजा और डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते हुए सूर्य को जल देकर प्रणाम करने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार छठ देवी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मवेदर्थ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में बांट दिया जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी या देवेसना के रूप में जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इसका एक नाम षष्ठी है जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। शिशु के जन्म के छठे दिन भी इन्हीं की पूजा की जाती है। इसकी उपासना करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है जिनकी नवरात्रि की षठी तिथि को पूजा की जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा 17 नवंबर और 12वीं की परीक्षाएं 16 नवंबर से होंगी। इन परीक्षाओं के लिए CBSE 9 नवंबर को प्रवेश पत्र जारी कर सकता है। बढ़ती ठंड देखते हुए परीक्षा सामान्य रूप से 10:30 के बजाय इस बार 11:30 बजे से शुरू करने का फैसला लिया गया है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए छात्रों को 15 मिनट की जगह 20 मिनट का समय दिया जाएगा। CBSE के पहले चरण की परीक्षा नवंबर दिसंबर और दूसरे चरण की परीक्षा मार्च अप्रैल में आयोजित होनी है। परीक्षा परिणाम दोनों के अंकों को मिलाकर निकाला जाएगा। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों में दिव्यांग छात्रों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 90 मिनट के प्रश्न पत्र के लिए उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि कोरोना काल में प्रभावित शिक्षा अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। इसके अनुसार CBSE बोर्ड सुधारित निर्देश जारी कर रहा है। ताजा जानकारी यह है कि बोर्ड परीक्षा के पहले चरण के लिए प्रवेश पत्र 9 नवंबर को जारी हो सकता है। साथ ही परीक्षा को लेकर अन्य विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे ताकि छात्रों को
परीक्षा देने के दौरान कोई परेशानी ना हो। स्थानीय स्तर पर स्कूलों में पूरी तैयारी की खबरें हैं। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा स्थित सीआरपीएफ के लिंगलपल्ली कैंप में एक जवान ने अपने साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई जबकि 4 जवान घायल हैं। फायरिंग करने वाले जवान का नाम रितेश रंजन है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान रितेश ने विवाद के बाद गोली चलाई। घटना रात करीब 3:25 की है। 5 जवानों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, इनमें 2 की हालत गंभीर थी जिनका इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। वहीं 3 घायल हैं जिनका इलाज अब भी चल रहा है। घटना के कारणों का खुलासा तो नहीं हुआ है। सीआरपीएफ के 50वीं बटालियन का यह कैंप लिंगलपल्ली में है। यह कैंप मरईगुड़ा थाना क्षेत्र में आता है। घटना के बारे में अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। कैंप सुकमा जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर है। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का सीमावर्ती जिला है। बताया जाता है कि यह घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहां जवान नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैनात थे। घटना के बाद कैंप में जवानों के फोन बंद करा दिए गए। किसी को बाहर बात करने की इजाजत नहीं है। तो दूसरी तरफ भद्राचलम अस्पताल को भी कैंप में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया को इससे दूर रखा गया है। बड़ी संख्या में अस्पताल में सीआरपीएफ के जवान वहां तैनात हैं। राफेल सौदे को लेकर फ्रांस की एक ऑनलाइन पत्रिका ने नया दावा किया है। पत्रिका के अनुसार फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने डील कराने के लिए भारतीय बिचौलिए सुशेन गुप्ता को करीब 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी और इसकी जानकारी सीबीआई और ईडी को भी दी, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दस्तावेजों के होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। बता दें कि भारत ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान का सौदा किया था। बता दें कि अप्रैल 2021 की एक रिपोर्ट में ऑनलाइन पत्रिका ने यह दावा किया था कि उसके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें दिखाया गया है कि डसॉल्ट और उसके औद्योगिक साझेदार थेल्स ने बिचौलिए गुप्ते को राफेल डील के संबंध में सीक्रेट कमीशन में कई मिलियन यूरो का भुगतान किया था। केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए 23 सितंबर 2016 को 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कांग्रेस ने विमान की दरों और कथित भ्रष्टाचार सहित सौदे को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। दुनिया भर में जारी तमाम हलचलों के बीच पाकिस्तान में भी इमरान सरकार की भद पीट रही है। पाकिस्तान चुनाव आयोग की रिपोर्ट में इमरान सरकार पर नेशनल असेंबली की सीट नंबर 75 डास्का में चुनाव के दौरान घोर अनियमितता के आरोप लगाए गए। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही तीसरे कार्यकाल के लिए नामित होने वाले हैं। शी जिनपिंग जो माचो तुंग और देंग शियाओपिंग के बाद चीन का एक युगांतरकारी नेता घोषित किया जा सकता है। इस बीच अब यूएई के अबुधाबी में गैर मुसलमानों को नए सिविल लॉ के मुताबिक शादी करने, तलाक देने और बच्चों के संयुक्त कस्टडी हासिल करने का अधिकार होगा। यूएई के शासकों की ओर से जारी नए आदेश में इसकी अनुमति दी गई है। तो अमेरिका ने एक अपने 21 महीने लंबे कोविड प्रतिबंध को हटाकर ऐसे विदेशी यात्रियों को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति अब दे दी है जिन्होंने कोरोना टीकाकरण पूरा करवा लिया है। इसके अलावा फ्लोरिडा के तट पर चल रही तेज हवा के कारण स्पेसएक्स को अंतरिक्ष स्टेशन से अपने क्रू मेंबर के 4 सदस्यों के पृथ्वी पर वापसी के कार्यक्रम को टालना पड़ा है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट ने इमरान सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल असेंबली की सीट नंबर 75 डास्का में चुनाव अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन ने अपना काम सही से नहीं किया और ये गैर कानूनी रूप से दूसरे लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि चुनाव से संबंधित मटीरियल और वहाँ मौजूद पोलिंग स्टाफ की भी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया। रिपोर्ट में चुनाव में पुलिस की भूमिका पर भी संदेह प्रकट किया गया। यह भी कहा गया कि पुलिस की इसमें या तो पूरी मिलीभगत थी या फिर वो किसी तरह से प्रभावित थी या फिर उस पर दबाव डालकर गलत काम करवाया गया, लेकिन इससे पूरे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई है। पुलिस को पता चला था कि उसके पास क्या हो रहा है, फिर भी वो खामोश रही।
उसके खुलासे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान से इस्तीफा देकर कानून का सामना करने को कहा। शाहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों से उनके अधिकारों को छीन लिया गया। इमरान खान नियाजी को इस बारे में बताना चाहिए। आखिर चुनाव आयोग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं। शरीफ ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे पर दूसरी राजनीतिक पार्टियों से भी सहयोग लेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही तीसरे कार्यकाल के लिए नामित होने वाले हैं। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में 100 साल पुरानी पार्टी के ऐतिहासिक अनुभव के साथ उपलब्धियों पर एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक इतिहास को नए ढंग से लिखा गया है। 531 पृष्ठों वाले इस किताब का एक चौथाई से अधिक हिस्सा सिर्फ 9 साल में हुए विकास को समर्पित है। पार्टी की जीवनी लिखने वाले इतिहासकारों ने भी जिनपिंग के रिटायरमेंट का कोई संकेत नहीं दिया है। दशकों में देश में हुए विकास का जश्न मनाने के लिए पूरे चीन में कई प्रदर्शनियों और संग्रहालयों को भी सजाया गया। हाल ही के दिनों में कोई भी चीनी नेता शी जिनपिंग की तरह चीन के इतिहास में वैसी जगह नहीं बना पाया। आज बीजिंग में शुरू होने वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी के 100 साल के इतिहास का आधिकारिक तौर पर पुनर्मूल्यांकन करने वाला एक संकल्प जारी किया जाएगा, जिसके बाद शी जिनपिंग को जो माचुतुंग और देंग शियाओपिंग के बाद चीन का एक युगांतरकारी नेता घोषित किया जा सकता है। यह बैठक 11 नवंबर तक चलेगी। 68 साल के शी जिनपिंग इस दशक में चीन के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने देश में फैले भ्रष्टाचार और गरीबी के खिलाफ निर्णायक काम भी किया है। शरिया कानून से शासित संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे गैर मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यूएई के अबू धाबी में गैर मुसलमानों को नए सिविल लॉ के मुताबिक शादी करने, तलाक देने और बच्चे की संयुक्त कस्टडी हासिल करने का अधिकार मिल जाएगा। यूएई के शासकों की ओर से जारी नए आदेश में इसकी अनुमति दी गई। गैर मुस्लिम परिवारों के विवादों का समाधान करने के लिए एक नई अदालत का गठन अबू धाबी में किया जाएगा। यह अदालत अंग्रेजी और अरबी में काम करेगी। इससे पिछले साल ही यूएई ने संघीय स्तर पर कई कानूनी बदलाव किए थे। इसमें शराब का सेवन, आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से हटाना और झूठी शान के नाम पर हत्या में नरमी बरतना शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे अवधि का गोल्डन वीजा और ये कानून यूएई की ओर से खुद को विदेशी निवेश, पर्यटन और लंबे समय तक रहने के लिए पसंदीदा ठिकाना बनाने हेतु एक बड़ा प्रयास है। माना जा रहा है कि अबू धाबी ने खाड़ी देशों में व्यवसायिक हब बन रहे अन्य क्षेत्रों पर प्रतिद्वंदिता में बढ़त हासिल करने के लिए यह नया आदेश जारी किया। अभी तक अबू धाबी में शादी और तलाक पर कानून अन्य खाड़ी देशों की तरह से इस्लामिक शरिया कानून पर आधारित थे। अमेरिका ने अपने 21 महीने लंबे कोविड प्रतिबंध को हटाकर ऐसे विदेशी यात्रियों को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दे दी है जिन्होंने कोरोना टीकाकरण पूरा कर लिया है। अमेरिका ने टीकाकरण में कोवैक्सीन को भी शामिल कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों को इस निर्णय का लंबे समय से इंतजार था। प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका में रहने वाले कई भारतीय कोविड के चलते भारत में फंस गए थे। यह प्रतिबंध तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2020 की शुरुआत में लगाया गया था, जब महामारी शुरू हुई थी। बीते अक्टूबर को एक आदेश में व्हाइट हाउस ने कहा था कि आगामी 8 नवंबर से अमेरिका में प्रवेश करने की इजाजत होगी। पूरी तरह से टीका लगाए गए विदेशी आगंतुक 8 नवंबर से अमेरिका में प्रवेश कर सकेंगे। निर्णय के अनुसार केवल पूरी तरह से टीका लगवा चुके यात्रियों को ही अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रियों को उड़ान में चढ़ने से पहले नकारात्मक कोरोना वायरस परीक्षण का प्रमाण साथ रखना होगा। साथ ही यात्रियों को अपने टीकाकरण की स्थिति एयरलाइनों को दिखानी होगी, जो नाम और जन्म तिथि से मेल खाती हो, ताकि यह पुष्टि हो सके कि कोई भी किसी और का टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं ले जा सकता। सरकार ने कहा कि मानवीय या आपातकालीन कारण होने पर वह उन देशों के यात्रियों पर विचार करेगी। अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे स्पेस एक्स रॉकेट का मिशन फिलहाल टल गया है। दरअसल फ्लोरिडा के तट पर चल रही तेज हवा के कारण स्पेस एक्स को अंतरिक्ष स्टेशन से अपने क्रू मेंबर के 4 सदस्यों के पृथ्वी पर वापसी के कार्यक्रम को टालना पड़ा। अमेरिका, फ्रांस और जापान के अंतरिक्ष यात्री पूरे 6 महीने बाद रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने वाले थे। इसी बीच कैप्सूल का टॉयलेट भी टूट गया है। ऐसे में धरती पर लौटते समय अंतरिक्ष
यात्रियों को डायपर पहनना पड़ेगा। स्पेसएक्स का यह कैप्सूल अंतरिक्ष में 210 दिनों तक रह सकता है। इससे वह पहले ही 200 दिन बिता चुका है। याद रहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर डॉक हुए एक रूसी रॉकेट के इंजन के अनजाने में स्टार्ट होने से यह अपने निर्धारित कक्षा को छोड़कर बाहर चला गया था, जिसे काफी मेहनत के बाद वापस लाया गया था। इतना ही नहीं, रूसी फिल्म डायरेक्टर ने इस दौरान एक फिल्म की शूटिंग भी की। बता दें कि स्पेसएक्स दुनिया की अकेली ऐसी निजी कंपनी है जो कि नियमित तौर पर धरती पर रॉकेट के स्टेज वापस लौटाती है ताकि इनको फिर से लॉन्च किया जा सके। कंपनी ISS पर निर्धारित रूप से कार्गो भेजती रही है और अब वह एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च कर रही है। मार्स की कंपनी स्टारशिप नाम से जो बड़े स्पेसक्राफ्ट भी विकसित कर रही है जिन्हें मंगल पर इंसानों की बस्तियां तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सके। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे फिर होगी कल मुलाकात। तब तक लिए देखते रहिए VKBNews। नमस्कार।